नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। देश में पेट्रोल डीजल के दामों की रफ्तार थमी नजर आ रही है। आज लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके पहले आखिरी बढ़ोतरी मंगलवार को हुई थी। लगातार तीन दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है, बावजूद इसके कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर है। दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए के बेहद करीब पहुंच चुका है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 97 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। वहीं देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल का रेट देश में सबसे अधिक 101 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर पर महंगा मिल रहा है, जबकि डीजल 93 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हालांकि कोलकाता में राज्य सरकार की वजह से पेट्रोल और डीजल के रेट घटे हैं, जिसका फायदा अब तक लोगों को मिल रहा है। इस महीने कुल 13 दिन दाम बढ़ाए गए हैं, जबकि कटौती एक बार भी नहीं की गई है। इसके पहले 9 फरवरी से लगातार 12 दिन तक पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा था। दिल्ली में डीजल ने पिछले हफ्ते ही 80 रुपये प्रति लीटर का स्तर पार किया था, अब ये 81 रुपये को भी पार कर चुका है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की बढ़ती कीमतों की वजह से देश में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। देश में हर रोज़ सुबह 6 बजे तेल के दामों को रिवाइज किया जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत और विदेशी मुद्रा की दरों के हिसाब से देश में हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों का बदलाव होता है। ये नई कीमत हर रोज़ सुबह 6 बजे से देश के हर पेट्रोल पंप पर लागू हो जाती है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।